दोस्तों, मैं आज आपको कुछ दिखा रहा हूँ और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर दोस्त बोलते हैं कि मुझे लोन नहीं मिलता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ कि लोन लेने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो लोन जब आप अप्लाई करते हो तो ये आप सुनिश्चित करो कि आपका सिविल स्कोर 750 से ज़्यादा होना चाहिए या फिर 750 होना ही चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर 750 है तो आपको लोन सभी जगहों से अप्रूवल होने के चांसेस में ज़्यादा है। अगर आपका सिविल स्कोर 750 से कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्ट होने के चांस ज़्यादा है लोन, ठीक है। तो अगर आपका सिविल स्कोर 750 है तो मैं आपको बता दूं कि आप ऐसी कंडीशन में नीरा फाइनेंस को चूज़ कर सकते हो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नीरा जो फाइनेंस एप्लीकेशन है वो सबसे कम डॉक्यूमेंट्स पे आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करवाती है। और यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 500 लोन यहाँ पर आप एक्टिवेट करवा सकते हो। कैसे, मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। यहाँ पर हम नीरा फाइनेंस को ओपन करेंगे और यहाँ पर देखिए जो लोडिंग क्रेडिट लाइन यहाँ पर लिखा है, थोड़ा देर वेट कर लो, ओके। तो अभी आपको मैं बता दूँ, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मेरे कंडीशन में इस एप्लीकेशन में आपको मैं दिखा दूँ, 40,000 रुपये का लोन एक एक्टिवेट है जिसकी EMI 2 अक्टूबर 2024 को कटनी है, मतलब 42 दिन बाद। अब आप कहोगे भैया 42 दिन बाद क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने किया है एडवांस में पेमेंट, इसलिए यहाँ पर 42 दिन बाद शो कर रहा है, ठीक है। ये जो 40,000 रुपये का लोन है ये मैंने लिया है पूरा का पूरा 24 महीने के लिए, जिसकी EMI है 2175 रुपये की, ठीक है। सेकेंड जो हमारा लोन है वो है 11,000 रुपये का, जिसकी EMI 5 अक्टूबर 2024 को 1,070 रुपये की कटेगी और ये 45 दिन बाद आएगा। इसमें भी मैंने एडवांस में पेमेंट किया है, इसलिए यहाँ पर 42 दिन एंड 45 दिन शो कर रहे हैं। एंड इस दो लोन एक्टिवेट होने के बावजूद भी कंपनी की तरफ से अब रिसेंटली बहुत बड़ा ऑफर निकला है जो कि 53,500 रुपये का है। आप यहाँ पर देख सकते हो 53,500 रुपये के यहाँ पर लाइन ऑफ क्रेडिट यहाँ पर मुझे मिली है। फिर से दोबारा ऑफर आया है नीरा फाइनेंस में और आपका भी आ सकता है। अब ये ऑफर मुझे बार बार क्यों आता है, इसका रीज़न भी मैं आपको बता दूँ। देखो, रीज़न ये है कि मेरी जो क्रेडिट लाइन है, जो मेरा चुकाने का बिहेवियर है, वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जब से मैंने नीरा फाइनेंस में लोन लिया है मैं टाइम टू टाइम एडवांस में पैसे पे करता रहता हूँ, इसलिए यहाँ पर एडवांस में ही मुझे यहाँ पर क्रेडिट लिमिट दी गई है। मतलब कंपनी को मैंने भरोसा दिया, कंपनी ने मुझे भरोसा दिया। एग्जांपल, मैं यहाँ पर 40-40, 60-60 दिन पहले पैसा देता हूँ कंपनी वालों को, तो यहाँ पर ये भी मुझे पहले से एडवांस में लाइन ऑफ क्रेडिट दे के रखे हैं कि जब चाहे एनी टाइम एनी वेयर आप इसको भी विड्रॉ लगवा सकते हो। आपके 3 लोन नहीं, 4 लोन नहीं, चाहे 10 लोन एक्टिवेट क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक ये लाइन ऑफ क्रेडिट यहाँ पर रहेगी आप विड्रॉ लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर गेट लोन पर क्लिक कर दूँगा तो ये जो लोन है मैं ले सकता हूँ भैया 5,000 रुपये से लगा करके, और यहाँ पर पूरा 53,500 रुपये तक का, जो कि 18 महीने तक का हो जाएगा और मिनिमम 3 महीने से लेकर के मैक्सिमम 18 महीने तक का टर्नओवर मिल जाएगा। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर 53,500 रुपये निकालता हूँ 18 महीने के लिए, 3,727 रुपये की EMI होगी। हमारे बैंक में जो पैसे आएंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर गेट माई लोन पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करते ही यहाँ पर ये लोडिंग लेगा, ओके। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं दोस्तों, देख सकते हैं 53,500 रुपये का लोन है 18 महीने के लिए। रिव्यू लोन पे क्लिक करना है एक बार रिव्यू लोन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सारी डिटेल्स आएगी कि 53,500 रुपये में कितना लोन हमारे बैंक खाते में आएगा। फिलहाल यहाँ पर मेरा नेटवर्क का इशू है, क्योंकि यहाँ पर मेरे एरिया में नेटवर्क थोड़ा कम पकड़ता है। अभी आप देख सकते हो 53,500 रुपये में 51,418 रुपये बैंक में आएगा
और यहाँ पर 3727 रुपये की ईएमआई होगी 18 महीने के लिए, ठीक है। तो 51,418 रुपया बैंक में आएगा एंड 1765 रुपये का यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस है, जीएसटी फीस है 18%, मतलब 317 रुपया अमाउंट 51,418 रुपया, ईएमआई 3727 रुपया। पे कितना करना है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर सबसे कम ब्याज दर पर इंस्टेंट पर्सनल लोन दिया जाता है, 3727 गुणे 18 करेंगे 67,086 रुपये पे करना है, इसमें माइनस कर देंगे 51,400 रुपया, तो 15,686 रुपया यहाँ पर आपको जो है देना होगा एक्स्ट्रा, वो भी 18 महीने के लिए, भाग 18 करेंगे तो 871 रुपया प्रति माह का यहाँ पर ब्याज लग रहा है 51,800 रुपये का, ठीक है। देखिए कंपनी तो 53,500 रुपये पकड़ेगी ना, तो यहाँ पर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा जाए तो 2% 2.5% के आसपास लग रहा है। सो मेरे भाई अगर आपको भी यहाँ पर लोन लेना है तो आप इंस्टेंट पर्सनल लोन नीरा फाइनेंस से ले सकते हो, बेस्ट एप्लीकेशन है, आरबीआई से रजिस्टर्ड है, एनबीएफसी कंपनी है, तो अगर आपको भी लोन लेना है तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। और वीडियो बस इतना ही रहेगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।